फतेहपुर के अधीन स्थानीय निवासी तिलकराज की पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का एक मामला दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया था। मगर पुलिस की कार्रवाई से तिलकराज के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। मृतक तिलकराज की पत्नी सोनिका ने SDM फतेहपुर के कार्यालय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने फतेहपुर पुलिस पर मामले को दबाने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए लिखा है कि दलित की जान की कीमत स्कूटर के शीशों से भी कम है। दलित को कमजोर जाति का समझकर इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी व गर्दन की हड्डी तोड़ दी। फतेहपुर पुलिस द्वारा आरोपियों से मिलकर मेरे पति के केस को कमजोर किया गया है। उसने कहा कि मेरे पति ने पुलिस के सामने और हमारे सामने बयान दिया था, परंतु पुलिस वालों ने हमें बाहर निकाल दिया और मृतक अपने बयानों में बार बार कह रहा था कि मुझे जाति सूचक शब्द कहकर और उठा उठाकर गर्दन के बल पटका है। ये शब्द हम दलित बिरादरी के लोग अपने कानों से सुन रहे थे। हमें बाहर निकालकर आरोपी रिंकू पठानिया को अंदर बुलाकर उसके सामने बयान दिए गए, ताकि रिंकू पठानिया की दहशत से सही बयान ना दे सकें। रिंकू की दुकान पर CCTV कैमरा भी लगा है, उसमें भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। पुलिस वाले आरोपी से मिलकर CCTV फुटेज में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आरोपी काफ़ी पैसे वाला और प्रभावशाली व्यक्ति है और राजनीति में ऊंची पहुंच रखता है। उसने कहा कि वो मेरे पति के केस को प्रभावित कर सकता है। वहीं पुलिस थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने कहा कि पुलिस इस मामले पर निष्पक्षता से कार्य कर रही है और हर पहलू पर नजर दौड़ाई जा रही है। वहीं इस मामले पर SP कांगड़ा संतोष पटियाल ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। इस बारे में पुलिस के पास गए थे आप? हाँ जी, पुलिस के पास गए थे, कोई गलबात नहीं, कोई स्थिति नहीं। तो अभी पुलिस वाले क्या बोलते हैं जी आपको? अभी पता नहीं, अभी कहते कुछ नहीं, कभी बात नहीं करते हैं। एनस्टार न्यूज के लिए कांगड़ा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।